नमो अहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वंदे संदष्ट सिद्धार्थं संदष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जयं धर्ममूर्तिमंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्वासनं नमः समय साराय मुक्ता लसत्व मदिसत्व बलोपपन्न स्मृत्वा पराम च समताम कुलदेवताम त्वं संज्ञान चक्रमिद मंग ग्रहाण तूर्ण मज्ञान मंत्रयुत मोहरिपूपमर्दी। आचार्य योगेन्द्र देव अमृता सीत ग्रंथ में बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे हैं। हे भाई, स्वाभाविक बल संपन्न, स्वाभाविक बल संपन्न आत्मा स्वभाव से ही संपन्न है, विपन्न नहीं है। विपन्न कौन है? विपन्न कहो, दुखी कहो, दरिद्र कहो, विपन्न कौन होता है? जो आत्मा को नहीं जानता। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से वंचित चक्रवर्ती भी विपन्न है, शुभम चक्रवर्ती। देखो बाहर में कितना उसको कोई कमी थी भोजनशाला में, लेकिन वो कहां और उस व्यंतर की बातों में आ गया। रसोईया का जो जीव था, ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया, और कहां पहुंच गया जाकर के समुद्र में। फिर वहां व्यंतर ने कहा, क्यों तू मुझे पहचानता है? मैं रसोईये का जीव हूं, तूने मेरे ऊपर गरम खीर पकड़ी डाली थी, अब बता कहाँ जाएगा? पंच परमेष्टी मंत्र को मिटा दे तो तुझे छोड़ दूंगा। छल किया था उसने, क्यों? जब तक पंच परमेष्टी मंत्र हृदय में है, पंच परमेष्टी मंत्र का मतलब है पंच परमेष्टी के प्रति जब तक श्रद्धा है, तब तक विश्व में कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। वो जानता था, और जिसकी हजारों देव सेवा करते थे, ऐसे उस चक्रवर्ती को साधारण व्यंतर ने पंच परमेष्टी की श्रद्धा से रहित करके नाश कर लिया और साथ में नरक में चला गया। विपन्न है। पंडित दौलत राम जी ने कहा, आत्मरस से दूसरा उत्कृष्ट रस विश्व में नहीं है। ये रसायन है, अनुभव रसायन। ये तो धर्म शास्त्र की बातें हैं। चिकित्सा शास्त्र के आचार्य चरक ने एक बात लिखी, उन्होंने कहा सर्व प्रकार की रसायनें होती हैं। रसायन द्रव्य माने जो बुढ़ापे को, क्षीणता को रोकते हैं, बल प्रदान करते हैं, पुष्ट करते हैं शरीर को, वे रसायन द्रव्य कहलाते हैं। वे सारे के सारे रसायन एक और आचार रसायन एक और। वो आचार रसायन कौन सी? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और संतोष अपरिग्रह, परिग्रह परमार। इन जो आचार रसायन का सेवन करता है वह रोगों से अपने आप बच जाता है।
समझ में भी आती है। क्यों? ये मंद कथा से पुण्य मंद होता है, पाप क्षीण होता है, पाप से होने वाले रोग अपने आप क्षीण हो जाएंगे। तो देखो क्या कहा आचार्य योगेंद्र देव ने, हे भाई ये तो ग्रस्त हैं, हम कछु हैं ऐसा मत सोचना कभी। अरे ये तो क्षण क्षण की परिणतियां हैं, औदयिक भावों की भिन्नताएं हैं, अवस्थाएं हैं नाना प्रकार की। लेकिन क्या कह रहे, हे भाई तू स्वाभाविक बल से संपन्न है, मोही होकर के निर्बल हो रहा है, अपने बल को भूल गया है। तेरे पास ज्ञान की शक्ति है, तेरे पास संयम की शक्ति है, तेरे पास क्षमा की शक्ति है, तेरे पास विनय की शक्ति है, जो सारे शत्रुओं को जीतने में समर्थ है। हे भाई स्वाभाविक बल संपन्न ऐसा तू, क्या सुंदर शब्द है, आलस्य छोड़कर, अनुत्साह छोड़कर, आलस्य छोड़कर का मतलब अनुत्साह हो छोड़कर, सावधान होकर, आलसी व्यक्ति, ये तो धर्मशास्त्र है, नीति में क्या लिखा बोलो, आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होकर दुख भोगता है, रोगी और दरिद्री होकर के दुख भोगता है। तू आलस्य को छोड़, आलस्य को छोड़कर उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर। हमारी कुल देवी जानते हो, कुल देवता और कुल देवी लोगों में बहुत मान्यता है। आपको मालूम हो कर्नाटक में अपने घूमट सर हाँ बावली भगवान को कुल देवता मानते हैं लोग, हमारे कुल देव माने कुल परंपरा से ही पूजते आए हैं इनको। तो अब विचार करना, हम सिद्धों के कुल के हैं, हाँ ये हमेशा याद रखना, हम सिद्धों के कुल के हैं। बाबू भाई का ये बड़ा प्रबल शब्द है ये, बाबू भाई मेहता हुआ, जब पुत्र इकलौता पुत्र नहीं रहा और उसी समय उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, बोले जन्म होगा तो मरण होगा, संग होगा तो बियो होगा, ये रोना पीटना काय को। तो पिताजी ने कहा या माँ ने कहा, भैया कुल कैसे चलेगा, बोले हम सिद्धों के कुल के हम सिद्धों के कुल के। भगवान महावीर के कितने पुत्र थे, आज उनका नाम चल रहा है, उनका नाम आदर्श ही ले रहे हैं। लौकिक में भी नाम सत्कार्यों से चलता है, सत्कार्यों से नाम चलता है, नाम की चाह वालों से नाम क्या चलेगा, और इस मोह से नाम क्या चलता है। एक नाम के अनेकों हो जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ पता रहता है। लेकिन जो सत्कार्य हैं वो बराबर, भैया ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो हमारे कुल की देवी कौन है, समता, समता रूपी हमारी कुल देवी है। जो लोग कार्य करने जाते हैं अपनी कुल देवी कुल देवता को मनाते हैं, उसके माने विनय करते हैं, उसके बाद जा करके कार्य करते हैं। तो ऐसे तू समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर, अर्थात समता मेरा स्वभाव है ये सदैव याद रखना, कहीं दुखी नहीं होगी। समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर, इसका अर्थ क्या हुआ, ये तो साहित्य के शब्द हैं। देखो हमारे महामुनीश्वरों पर कितने उपसर्ग आए, काय से सहन करे, यह उपसर्ग सहे बहु धर समता, समता से ही तो सहन करे। जो संकलेशता करते हैं प्रतिकूल प्रसंगों में या अनुकूल प्रसंगों में, उस संकलता करते हैं तो प्रतिकूल प्रसंग बढ़ते हैं। क्यों? संकलेशता से पाप बढ़ता है और संकलेशता से पुण्य घटता है। तो जो अनुकूलता में संकलेश करते माने अभिमान करते उद्यत होते हैं, उस श्रृंखल प्रवृत्ति करते हैं वे जीव उन अनुकूलताओं से वंचित हो जाते हैं। माने संकलेश परिणाम से प्रतिकूलताएं बढ़ती हैं, अनुकूलताएं घटती हैं,
समता परिणाम से प्रतिकूलताएं घटती हैं, अनुकूलताएं बढ़ती हैं। ये समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर अज्ञान रूपी मंत्री सहित मोह शत्रु का नाश करने के लिए इस समय ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण कर। अज्ञान का नाश करने के लिए कौन चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो समय ज्ञान ये सुदर्शन चक्र है एक तरह का, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र से छह खंड के शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती निराकुल अखंड साम्राज्य की स्थापना करता है, ऐसे ही हे भाई तू मोह को छोड़कर, मोह माने क्या? अपने को नहीं जाना, तू अपने को पहचान कर, पर को अपना मानना छोड़कर, ये मोह है तुम्हारा, हम हीन हैं, हम दीन हैं, हम कोई नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे रे क्या करता है? स्वाभाविक बल संपन्न, जब स्वाभाविक बल संपन्न कहा तो चूंकि ये वीर रस का काव्य है और शत्रु जीतने के लिए ही बल का नाम लिया, तो बल जब कहा तो अंत दीपक है कि नहीं है? तो स्वाभाविक बल संपन्न का मतलब क्या? स्वाभाविक दर्शन संपन्न, स्वाभाविक ज्ञान संपन्न, स्वाभाविक सुख संपन्न, स्वाभाविक प्रभुता से संपन्न। तेरी प्रभुता ऐसी है कि बस तू बैठा रहे, कोई तेरे पास नहीं हो तो भी तेरी प्रभुता में कोई कमी नहीं। ये बाहर का पुण्य का प्रभुत्व तो भैया पुण्य चला जाए तो प्रभुत्व खत्म है, प्रभाव खत्म, लेकिन ये स्वाभाविक प्रभुता ऐसी है, इस प्रभुता का कहीं अभाव नहीं। उत्कृष्ट दृष्टांत बोलो। शरीर का अभाव होने पर भी जिस प्रभुता का अभाव नहीं होता, बोलो। अनंत भगवान की प्रभुता, और फिर शरीर आदि का अभाव हो गया, सिद्ध दशा प्राप्त हो गई, बोलो प्रभुता में कोई कमी आई? नहीं आई। शरीर आदि का अभाव होने पर भी जिस प्रभुता में कोई कमी नहीं आती, ऐसी स्वाभाविक प्रभुता हमारी है। स्वाभाविक ज्ञान बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है। जैसे अभी प्रवचन सार जी हम देख रहे थे दोपहर में, उन्होंने कहा जिसकी विषयों में रति है, प्रेम है, उनका दुख स्वाभाविक है। उन्हें कोई दूसरा दुखी करे ऐसा नहीं, विषयों में जिन्हें प्रेम है वे जब अपने आप ही दुखी होते हैं, उन्हें कोई दूसरा दुखी नहीं करता। ऐसे ही जो विषयों से विरक्त हैं, आत्म स्वभाव में जिन्हें रति है, उन्हें सुख स्वाभाविक है, उन्हें कोई दूसरा सुखी नहीं करेगा, वे अपने आप ही सुखी होते हैं। आप सोचें अनंत भगवान को कोई उनका समोसरण सुखी कर रहा होगा ऐसा मत समझ लेना। अनंत भगवान वे अपने स्वाभाविक आनंद से तृप्त हैं और वे तृप्त रहेंगे ही, समोसरण का अभाव हो जाएगा तब भी। समोसरण का अभाव तो पहले ही होने था है। योग निरोध करके भगवान जब विराजते हैं, हैं ऋषभ देव कैलाश पर्वत पर योग निरोध करके विराजमान हो गए, उनके सुख में कोई कमी नहीं। क्यों? स्वाभाविक बल संपन्न। कभी कभी स्वभाव का बल बहुत बड़ा बल होता है, बाहर का बल तो बाहर के लोग छोड़ दें तो छूट गए, लेकिन स्वाभाविक बल, स्वाभाविक बल तो जब तक स्वभाव है तब तक रहेगा। स्वभाव अनंत है इसलिए स्वाभाविक बल भी अनंत है। वो स्वाभाविक बल से बाले को जीतना संभव नहीं है। मोह शत्रु उसको नहीं जीत सकता, कसाय उनको नहीं जीत सकती। वह कसायों को जीतेगा, मोह को जीतेगा, कर्मों को जीतेगा, उपसर्गों को जीतेगा, वो ही जीतेगा। मोह ही हुआ पराजित, अजित प्रभु अविजित रहित। मोह ही हुआ पराजित, अजित प्रभु अविजित रहित। कौन पराजित होगा? मोह ही पराजित होगा। अब देखो मोह है ना, वो शत्रु को क्यों कहा शत्रु? उसके दो काम, एक तो मोह शत्रु कहकर के तेरे बाहर के शत्रु नहीं, ये शत्रु है तेरा, इसको तू
जी हमारा जिसके जो हमारे प्रतिकूल नहीं है है उसको शत्रु मान लिया। नहीं नहीं ये मोह तेरा शत्रु है, इस मोह के नाश करेगा तो फिर कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। दशरक्षण का प्रसंग चल रहा है ना, है क्रोध से शत्रु उत्पन्न होते हैं और एक शत्रु को मारो तो 10 शत्रु उत्पन्न होते हैं। एक शत्रु का जो घात करता है वो 10 शत्रु उत्पन्न होते हैं। एक बार दृष्टांत दिया था, एक क्षत्रणी का पुत्र और भाई, उसका 2 भाई थे, एक भाई को कोई मार गया, अब वो रोने लगा बैठ करके। क्षत्रणी माता के है क्या रोता है, तलवार निकाल, भाई की हत्यारे का हत्या का बदला ली, रोता है यहां बैठा बैठा। उसने उठाया ले तलवार, चल दिया, घूमते घामते महीनों सालों में मिल पाया, एक दिन वो मिल ही गया हत्यारा, पकड़ लाया माँ के पास, माँ भाई का हत्यारा आ गया, ले तलवार। अब वो गिर गिरा रहा है, ऐसे कांप रहा है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे दया करो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरी दया करो। माँ तो माँ है, दया आ गई, सोचने लगी मेरे पुत्र का वियोग हुआ तो मैं ऐसे तड़प रही थी, कल इसकी माता ऐसे ही तड़पेगी, क्या होगा। मैंने मेरे इस लड़के ने भाई का बदला लेने के लिए जैसे कदम उठाया, उसके बेटे इस बदला लेने के लिए कदम उठाएंगे, क्या होगा। बेटा क्षमा कर, मां क्या कह रही है, ये शत्रु को मैंने महीनों जंगलों में भटक भटक करके पकड़ पाया है मुश्किल से, अब पकड़ में आया उसको कहते क्षमा कर दो। कि हां बेटे यही मानवता है, यही धर्म की सीढ़ी है, यही सुखी होने का उपाय है, यही बैर मिटाने का साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बेटा सोचो, तुम्हारे भाई का की हत्या हुई, तुम बैर लेने के लिए आए, अब तुम इसको मारोगे, इसके बच्चे तुमसे बैर लेंगे, फिर वे तुम्हारे बच्चे इनसे बैर लेंगे, कब तक परंपरा चलेगी, कसाय लंबा है मान, कसाय को लंबा है मान, कसाय लंबा है मान कैसे होती, सवेरे कहा था पर का दोष देखो कसाय लंबा है मान, और अपना दोष देखना वहीं की वहीं खत्म। तलवार म्यान में रखी, उसके बंधन खोले, भोजन लगाया माने, दोनों ने बैठ करके भोजन किया जैसे 2 भाई भोजन कर रहे हों, और विदा कर दिया। बैर का विसर्जन। हे भाई मोह के कारण शत्रु लगते हैं, वो हमारा भाई ये हमारा बैरी। जब अपने को आत्मदृष्टि से देखें तो कहां का बैरी, कहां का मित्र, राग से मित्र दिखाई देते हैं, द्वेष से बैरी दिखाई दे, शत्रु दिखाई देते हैं, राग द्वेषी तो तेरे शत्रु हैं, राग द्वेष से परे होकर के देखो तो ना कोई बैरी है और ना कोई शत्रु है। तो मोह शत्रु का मतलब मोह को शत्रु कहना नहीं है, द्वेष कराना नहीं है मोह के प्रति। हे भाई तू बाहर में इन शत्रुओं से लड़ रहा है, इनने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, अरे मोह के परिणाम से और मोह को स्वभाव के बल से जीता जाएगा, मोह को स्वभाव के बल से जीता जाएगा। तू स्वाभाविक बल से संपन्न है, समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर। थोड़ा अर्थ समझ में आ गया समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर, नहीं अभी हमने जो बताया कुंडव मार मान करके ठीक है वो सर। हमारे कुल के बड़े पुरुषों ने समता के द्वारा ही बड़े बड़े उपसर्ग जीते हैं, बड़े बड़े कर्म जीते हैं, और समता के फल से ही कर्म शत्रु का नाश करके सिद्धालय में विराजमान हुए। हमारे कुल की ये परंपरा है। हमारे दादा, हमारे पिता, बाप, पिताजी, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे भाई, हमारा, अरे हमारे छोटे कुल का, हमारे कुल का एक छोटा सा बालक भी, छोटा सा बालक जानते हो,
जिनेश्वर का लघुनंदन अविरत सम्यक दृष्टि भी। हमारा कुल कितना बड़ा सिद्धों से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि तक आ गया। और जैसे कुल परंपरा में बच्चे बड़े होते जाते हैं, बड़े वृद्ध होते जाते हैं, हैं? ऐसे ही हमारे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होते जाते हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक होते जाते हैं, श्रावक मुनि होते जाते हैं, मुनि अरहंत होते जाते हैं, अरहंत सिद्ध होते जाते हैं। ये हमारी कुल परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। हमारी कुल परंपरा में जैसे लौकिक में कोई अच्छा कुल होता है ना, फिर अपने प्रवचन सार जी में चरणानि योग चूड़िका में लिया क्या, हाँ ये हे भाई तुम्हें दुख से छूटना है, तो जिस प्रकार हमारे आत्मा ने श्रवण को अंगीकार किया, श्रवण धर्म को, उसी प्रकार तुम भी अंगीकार करो। उसका उपाय क्या है? एक तो बंध वर्ग से विदा मांगो, माने परिग्रह प्रपंच को छोड़ो, ठीक है, और जाकर के आचार्य महाराज के समीप आकर भिक्षा की याचना करो। कैसे हैं आचार्य? कुल विशिष्ट, वह विशिष्ट, रूप विशिष्ट, विशिष्ट विशिष्ट है ना, विशिष्ट का मतलब उनका रूप कोई विशिष्ट रूप है, माने वो शारीरिक सुंदरता नहीं, उनके रूप में सौम्यता है, प्रथम रस भावे नेतरती, प्रथम रस से झरता हुआ है, जिनकी शांत मुद्रा को देख करके सिंहादिक भी क्रूरता को भूल जाते हैं, ऐसी उस प्रथम मुद्रा को देखो। तो कुल विशिष्ट क्यों लिखा? वह विशिष्ट माने बचपन की चंचलता, यौवनोद्रेक, उश्रृंखलता, बुढ़ापे की शिथिलता, इन सब से रहते एक प्रौढ़ अवस्था है आचार्य महाराज। देखो आचार्य महाराज छोटी उम्र में आचार्य बनाते नहीं, और जब बड़ी उम्र हो जाती है तो फिर आचार्य अपना आचार्य पद दूसरे शिष्य को देकर स्वयं साधु पद में आ जाते, समाधि के लिए तैयारी करते। ये नहीं है कि बहुत वृद्ध हो गए तभी वह आचार्य अपन बने या अपन ही बने हैं। योग्य शिष्य को सौंपा, ले भाई संभालो संघ को, अब हम अपनी समाधि। इसलिए वह विशिष्ट माने एक बीच की अवस्था है। हमारे यहां भी व्यवस्था है, संविधान में भी राष्ट्रपति कितनी उम्र का बनाते, 15 वर्ष के लड़के को नहीं बनाएंगे, 25 वर्ष के लड़के को नहीं बनाएंगे, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होगी, और उसके बाद फिर रिटायरमेंट की व्यवस्था है। अब वो नहीं रहती वो अलग बात है, लेकिन है रिटायरमेंट की व्यवस्था। तो हमारे संघ में भी ऐसी व्यवस्था है रिटायरमेंट की, हमसे छुड़वाई जाए ऐसी व्यवस्था नहीं। ज्ञानी जीव ये समझो संयोग, ज्ञानी जीवों को संयोग भी छोड़ते नहीं है, वे ही संयोगों को छोड़ते हैं। ज्ञानी जीव संयोगों को छोड़ते हैं, संयोग उन्हें नहीं छोड़ते, विभूति उन्हें नहीं छोड़ती, वे ही विभूतियों को छोड़ते हैं। अज्ञानियों को विभूतियां छोड़ देती हैं, वे चिपके रहते हैं, सुबह दुखी होते हैं, अज्ञानी सुखी रहते हैं। तो मोह शत्रु को इसलिए कहा, बाहर के शत्रु नहीं है तेरे, मोह शत्रु को जीतने के लिए। कैसा है मोह शत्रु? अज्ञान उसका मंत्री है। अब जो राजा होता है ना, मंत्री के हिसाब से तो काम करता है ना, तो अज्ञान सलाह दे, जैसा विपरीत जानता है इंद्रिय ज्ञान, वैसा ही वो सिद्धांत कर लेता, मान लेता है। ज्ञान ने अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, तो इंद्रिय ज्ञान मूर्तिक पदार्थों को देखा, अतीन्द्रिय अमूर्तिक आत्मा को नहीं देखा। तो बस उसने क्या मान लिया, यही मैं हूं, यही मेरा है, ये मेरे काम है। दिन रात अपने अपने कामों में लगे हुए जीवों को अपने काम की खबर ही नहीं है कि हमारा काम क्या है। ये बोले ठंड है, इन्हें आराम कर ली, हमने सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, आराम कर ले, ठंड है तो है ही। आराम करने का मतलब तो ये है राम का स्मरण करना, यही अपना काम है और यही अपना आराम है। अच्छे लोग लौकिक में भी उत्साही और अच्छे लोग होते ना, वे काम को ही आराम मानते हैं, आराम कर, अरे आराम का पहले काम करना है, फलाना काम होना है ऐसे।
तो ऐसे ही राम के स्मरण में काम भी है और आराम भी है। तो स्वाभाविक अज्ञान मंत्री है उसका। अब अज्ञान को जीतने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण कर लिया। चक्र ऐसा है वो फिर शत्रु को छोड़ेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई उसमें कोई शंका हो सकता। जब वो चक्रवर्ती चक्र चलाएगा, मुख्य नाम चक्रवर्ती का नारायण, तो प्रति नारायण बचेगा नहीं। फिर अंतिम है ये शास्त्रों में, अंतिम शास्त्र है ये सारे। आप पढ़ो ना, राम रावण का युद्ध, कृष्ण जरासंध का युद्ध, जितने युद्ध होते रहे तमाम चलते रहे, अंत में वो चक्र आ गया। तो नारायण एक बार को रोक देते, भैया देख ले अभी भी समय है। लेकिन वो तो उसकी मौत आ गई ना, और अभिमान आ रहा है, अरे क्या होता है इस चक्र से, और उस चक्र से वह मरता ही है। तो ऐसे देखो नाना प्रकार की क्रियाओं से मोह मिटे न मिटे। सवेरे चर्चा की थी, बस इतना ही पढ़ेंगे। देखो निमित्तों को हटा दें मोह के, हम जंगल में चले जाएं, वहीं मोह हो जाएगा। ये हमारा पेड़ है, यहां हम बैठे ध्यान का, ध्यान हमारा पेड़ है। हम कहे वैसे ही बैठ जाएंगे, और चार आकर के बैठ गए घर उधर, और महाराज का हाल है यही कुटिया बन जाए। आओ भैया, और वो चबूतरा धीरे धीरे कितना कितना बड़ा आश्रम बन जाए और कितना क्या हो जाए, और उसको ये लगने लगे ये हमारा हमारा। तो निमित्तों के हटने से मोह नहीं हटता, ज्ञान से ही मोह हटता है। मतलब ज्ञान के बिना मोह मिटता ही नहीं है। क्यों? इनसे मोह छोड़ने जाओगे तो इनसे मोह हो जाएगा, इन जहां जाओगे तहां मोह हो जाएगा, जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय में मोह हो जाएगा, ठीक है ना जी। लेकिन सम्यक ज्ञान के द्वारा मोह का अभाव होता ही है, इसलिए सम्यक ज्ञान को चक्र का। तू है अपनो पौरुष समार, तू पौरुष समार बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे, जो जो देखी भीतराग ने, सो सो हो रही वीरा रे। भीतराग भगवान ने जय देखी है, क्या स्वाभाविक बल से संपन्न। जो जीव आलस्य को छोड़कर है समता रूपी कुल देवी का स्मरण करके, माने हमारा स्वभाव समता धारण करने का है, क्रोध करने का, मान करने का, माया लोभ करने का हमारा स्वभाव ही नहीं है। ये कषाय करना हमारा स्वभाव नहीं है, पर को अपना मानना, इष्ट अनिष्ट मानना हमारा स्वभाव नहीं है, रोना धोना हमारा स्वभाव नहीं है। बस रोने बैठ गए, रोने बैठ गए, रोने बैठ गए, यह हमारा स्वभाव नहीं है। तो फिर रोना तो आ जाता है, क्या रोना आ जाता है? उस समय तुम अपने को आत्मा नहीं देखते होगे, उस समय तुम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे होगे, उस समय तुम अपने उदय का भी विचार नहीं कर रहे होगे, उस समय जे बता हमारी का गलती, इन्हें आकर के ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, जे हो रहा होगा, अज्ञान रूपी विचार चल रहे होंगे, तब तुम्हें रोना आएगा। सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण कर, समता तेरा स्वभाव है, समता रूपी स्वभाव का स्मरण कर, और कुल की अपेक्षा से समझ में आया, इस समता के बल से हमारे कुल परंपरा में अनंत मुनीश्वरों ने घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करी है, परिसयों को जीता है, परिसय जय किया है, मोह को जीता है, घातिया कर्मों को जीता है, अघातिया कर्मों को जीता है, बताओ एक भी रहा हो अकेली एक समता से, बोलो और कोई और किसी की सहायता की जरूरत पड़ी हो? किसी की नहीं, अकेली समता से समस्त शत्रुओं को जीत करके सो जिनेन्द्र जयवंत ने तर रज रस नहीं नित्य जयवंत परम पद को प्राप्त किया है। इसलिए हम काय के लिए कमजोर पड़े, हम काय के लिए कमजोर पड़े? अपना बल संभाला, अपने ज्ञान को भेद ज्ञान किया। सवेरे एक शब्द आया था जैसन आचार्य का बताया, विशिष्ट भेद ज्ञान, रात को कहा था है? रात को कहा विशिष्ट भेद ज्ञान। विशिष्ट भेद ज्ञान माने एक ओर अपनी आत्मा को रखा और दूसरी ओर सब, सबसे भिन्न,
जो न मने तो घर में रह के सबसों हुए निराला, सबसों हुए निराला। ऐसी बढ़िया शब्द लिखे हैं, खूब स्वाध्याय करो और खूब रस पियो। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई उपाय न है और न जरूरत है। जरूरत भी क्या है, ये ऐसा व्यापार है जिसमें कभी हानि नहीं, ये ऐसी औषधि है जिसमें जो कभी विफल नहीं होती। समता रूपी कुल देवी का स्मरण कर मोह अज्ञान मंत्री सहित मोह को जीतने के लिए सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को ग्रहण कर, अब उसके ग्रहण करने का अवसर आया है। पंडित जी ने कहा अब सब प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर चूकना योग्य नहीं है। छोटे छोटे विकल्पों में मत उलझ जाओ, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है और बहुत उत्कृष्ट कार्य करने लायक अपने विचार। सहजानंदी शोधत रूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोधत रूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप, सहजानंदी शोधत रूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो तो वाणी सदा देतम लोग।